अच्छा दीदी एत दूर छगरी कर ले चराय के लेल आइन हा। घर बटे खेती उती लगा है तो घासो नहीं मिले से ले छगरी के जंगल आनिए है। दीदी तुहे एत दूर 300-400 किलोमीटर छगरी मन के चराय के लेल आना ना, ऐसन में तो हर छगरी थक भी जाते हो, ऊर्जा भी कम हो जाता है और हाइट भी नहीं बढ़े पारते और वजन भी कम हो जाता। कोई उपाय नहीं है घर बटे से छगरी के हिंदे लेके आई। एक पशु सखी दीदी है ने जे हरा चारा कर स्टैंड बनायला, अगर वो हरा चारा कर स्टैंड बन जातो ने तो तोहर के यहाँ छगरी चारा के लाने के नहीं पड़ता। हेलो तोहर पशु सखी दीदी बोला थी? हाँ हम पशु सखी दीदी बोला थी, तो है कौन बोला था? हमार नाम है के पुष्पलता देवी, कर्मा छपल से बोला थी। हाँ बोला, क्या बात हन बतावा? एक दीदी मिली है वो कहत रहे कि हरा चारा कर स्टैंड बना छिला। दीदी तो आओ नी मको स्टैंड बनाए सिखाए दे। दीदी का का सामान लगतो? हाँ हम बताती हूँ, 8 फीट का 3 ठो बांस और साबर और रस्सी सब जोगाड़ करके रखबा। अच्छा ठीक है, हम नी कल 10 बजे आबो तो इन सब सामान जोगाड़ करके रखबा। ठीक है दीदी। सबसे पहले हम इन 6 से 10 फीट कर दूरी में एगो माने एगो गड्ढा इस साइड एगो गड्ढा उस साइड, 2 ठो गड्ढा कोड़ना है। देख दीदी 6 से 8 फीट हम इन नाप थी लेकिन 6 फीट में ही हम इन गड्ढा कोड़ब। हाँ। अच्छा दीदी अब हम इन गड्ढा कोड़ थी है नहीं? गाढ़ा तो अब तैयार हो गया दीदी, अब खूटा के हमें नापी करी ले। ये देख दीदी ये खूटा कर ऊंचाई तो ऐसे 5 फीट होना चाहिए लेकिन हम इन बकरी कर ऊंचाई कर हिसाब से बना थी, बकरी छोट है सेले 4 फीट ही रहले ठीक होते। जैसे हम इन खूटा के नाप ली वैसने हम इन ऊपर में जो देवे बांस वो भी 6 फीट होना चाहिए, उसके भी हम इन नापी कर लेब। लाना खूटा के देवा अब हम इनके गाइड देब। अच्छा ठीक है। इके नी जब भी गाड़ल जाएला टाइट से गाड़े ना ताकि छगरी मन पाल्हा खींचबा नी सेखन ना गिरे। खूटा तो तैयार हो गेला अब हम इन बांस के ऊपर में बांधब। अब हम इनके बांध देब। तोहिन के हम जैसे बता रही कि बकरी कर ऊंचाई कर आधार से इके हम इन बनाई ला, अगर बकरी कर ऊंचाई 3 फीट है तो हम इन 3 फीट कर स्टैंड बनाब। इके हम इनके अच्छा से मजबूती से अब का करे खोए दीदी? अभी तैयार हो गेला अभी कर में चारा बांध के हम तोहिन के बता थी। इके थोड़ा थोड़ा दूरी में बांध देना है के हले छगरी मन खावे तो ढूसा ढूसी नहीं हो बे। इ जगह बांध ली अब इके थोड़ा दूरी में बांधब। अच्छा दीदी बकरी तो जंगल में चरा ना, पर हम उके घर में लाइन के काले खियाब? घर में इस चलते ख्याल जाएला कि बकरी के ऐसा चारा टाइम के दे लेनी उके लागे ला कि हम गाछे से खाती और बकरी कर जैसे जमीन में जे पाल्हा देवे नानी तो उकर में धूल मिट्टी हो जाएला सेकर से बकरी उके नहीं खाएला और जितना इकर में बकरी कूद के खाएला नी अपन के लफाए लफाए के उतना उकर शरीर का विकास अच्छा तरीका से होला से ले हमें चारा हमेशा बांध के ही खियाना चाहिए। छगरी कर पेट भरे में ज़्यादा समय नहीं लागेला, छगरी 2 से 3 डाली ही खाएना और ऐसा टाइम के देवा नहीं हले उकर शरीर कर ऊर्जा भी कम खत्म होगी और जे जंगल में कूद कूद के फालतू कर थके ना सेकर से माने कि कम समय में उकर पेट भी भर जाता या शरीर कर ऊर्जा भी उकर बन ले रहेला से ले टाइम के खियाना चाहिए। हम रोरेमन देख ली कि हरा चारा कर स्टैंड कैसन बनाल जाएला, यह चलते जे हम रोरेमन के सब कोई के बता ली इ विधि के अपनाऊ और अपन बकरी के स्वस्थ रखो और उकर वृद्धि विकास के बढ़ाओ और अपन आजीविका के आगे बढ़ाओ। हम इनकर गांव देहात ले बकरी पालन एगो बहुत अच्छा धंधा है और बहुत बड़ा रोजगार है कि हम इन बकरी पालन करी ला नहीं तो इकर से हम इनके जब जरूरत है तब हम इन पैसा पा सकीला। ये अपन हम इनकर एगो पूंजी है कैसे ले बकरी सब कोई के पालना चाहिए और सबके अच्छा तरीका से रख रखाव करना चाहिए और हरा चारा स्टैंड बनाना चाहिए और चारा के हमेशा टाइम के ही खियाना चाहिए।